टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। भारत धर्म, संस्कृति, कला, इतिहास और रीति रिवाजों का देश है। ये भूमि हमेशा से ही साधु संतों और महान आत्माओं से सुसज्जित रही है। यहाँ के राजाओं ने इस भूमि के कोने कोने में अपने समय की कला के अद्भुत नमूने पेश किए हैं। भारत देश के लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और यही कारण है कि हम अपने आराध्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं जो ना फील कर रहा था कि अगर एक दो टेंपल का ही सिर्फ एनुअली ले लिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ये बात तो सच है कि जो इंडियंस है ना वो बहुत दान करते हैं। देखा नहीं क्या? आ गया अमेजिंग, मतलब करोड़ कितने करोड़। भाई साहब इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है, पता नहीं एक दरवाजा खोला और कितनी खजाना है यहाँ। 1,00,000 करोड़। अगर 5 खोलते तो कितना होना था भाई। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी तो हमारा तो भाई सर घूम गया ये सारा देखकर। इतनी दौलत, वो भी मंदिरों में भाई, हजारों करोड़, 50,000 लोग डेली आते हैं वहां पर, मतलब दान करने के लिए, और खाना भी मुफ्त मिलता है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो भाई भारत के सबसे 10 अमीर मंदिर कौन कौन से हैं, यानी टॉप 10 रिचेस्ट टेंपल जो हैं इंडिया के कौन कौन से हैं, और इसमें भाई जो रिएक्शंस हैं मोस्टली सारे पाकिस्तान के लोगों के किए हैं, और वीडियो के एंड में इनका जो है आप जो रिव्यू है वो देख सकते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं। और इसमें से एक तो एक दो बंदे भाई ये भी बोल रहे थे कि अगर एक टेंपल का जो है रिवेन्यू अगर इंडिया साल का दे दे तो भाई पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो इंटरेस्टेड है भाई, और हम देखते हैं भाई कि हमारे यहाँ सिर्फ टॉप 10 टेंपल्स में कौन है सबसे ज़्यादा, और बाकी टेंपल्स का तो छोड़ ही दो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में। 10. सोमनाथ मंदिर, गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये चालुक्य स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर की बहुत सी कलाकृतियां विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए थे। इस मंदिर के इतिहास में 7 बार पुनः निर्माण किया गया है। यहाँ का शिखर करीब 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और हर साल ये मंदिर 30 से 35 करोड़ रुपए की कमाई करता है। 9. सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। अब इस मंदिर को तो कोई परिचय की जरूरत ही नहीं। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ हर दिन 25,000 से लेकर 2,00,000 लोग तक आते हैं। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति 200 साल पुरानी है और इसके ऊपर का गुम्बद करीब 4 किलो सोने से सजा हुआ है। यहाँ देश विदेश के सेलिब्रिटीज रोज ही आते रहते हैं, इसलिए यहाँ आपको सुरक्षा के कड़े इंतजाम हमेशा मिलेंगे। इस मंदिर की सालाना कमाई 125 से 150 करोड़ के करीब है। 8. सबरीमाला मंदिर, केरल। सबरीमाला मंदिर के तो कोने कोने में धर्म बसता है। ये मंदिर एक 3,000 फीट ऊंचे पर्वत पर है और यहाँ भगवान अयप्पन के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना दान किया जाता है कि यहाँ अब लोग नहीं बल्कि रोबोट काम करने वाले हैं। यहाँ हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड़ के करीब दान आता है। वैसे सबरीमाला मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, और इसी को लेकर हाल ही में काफी विवाद भी हुआ था। 7. गोल्डन टेंपल, अमृतसर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में गिना जाता है, और सिख धर्म के लोगों के लिए तो ये खास महत्व रखता ही है। इस मंदिर की सालाना कमाई कितनी है इसको गुप्त ही रखा गया है, लेकिन इस मंदिर का सोने का शिखर और इस पर चढ़ी सोने की परत इसकी समृद्धि का उत्तर अपने आप दे देती है। यहाँ हर रोज करीब 50,000 लोग आते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर दिन 3 बार भोजन कराया जाता है, वो भी मुफ्त। वैसे अगर आप रात के समय यहाँ जाते हैं तो सोने और चांदी से चमकता ये मंदिर अलग अलग रंगों की लाइट्स के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। 6. जगन्नाथ मंदिर, पुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने विष्णु मंदिरों में गिना जाता है और यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। खास तौर से सालाना निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान तो यहाँ आने वाले लोगों की गिनती करना बेमानी है। इस मंदिर की खूबसूरती और शिल्प कला देखने योग्य है। यहाँ सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ही 209 किलो सोने से सजाई जाती है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ है, और कहा जाता है कि यहाँ 5 तहखाने भी हैं, जहाँ बेशुमार संपत्ति है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया है। 5. साईं मंदिर, शिरडी, नासिक। साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं।
ये मंदिर उसी शिरडी में स्थित है जहाँ साईं बाबा ने अपना जीवन व्यतीत किया था और अपने चमत्कारों और दया भाव से लोगों की सहायता की थी। साईं बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं सिर्फ वही 94 किलो सोने से बना है और उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके बाद कहा जाता है कि साईं बाबा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में 1800 करोड़ रुपए, 380 किलो सोना, 4500 किलो चांदी और काफी संख्या में विदेशी मुद्रा भी है। यहाँ की सालाना कमाई 320 करोड़ रुपए के लगभग है। अब यार इस सब के बाद ये मंदिर इस लिस्ट का हकदार कैसे ना हो, और साईं बाबा के सभी भक्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर। 4. श्री वैष्णो देवी जम्मू। जमीन से 5200 फीट ऊपर लाखों साल प्राचीन गुफा में बना ये मंदिर देवी वैष्णवी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और यही कारण है कि इस रास्ते की तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ हर साल लाखों की संख्या में माता के भक्त आते हैं। इस मंदिर में हर साल 500 करोड़ तक दान दिया जाता है। तो दोस्तों जरा कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन माता श्री वैष्णो देवी के दरबार में गया है। 3. गुरुवरयप्पन मंदिर, गुरुवयूर, केरला। केरल के गुरुवयूर में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण का है और इसे दक्षिण की द्वारका भी कहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ चुंबकीय शक्तियां हैं जिसके कारण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून की अनुभूति होती है। यहाँ हर दिन 50,000 लोग जाते हैं और यहाँ की कुल संपत्ति करीब 2500 करोड़ रुपए है। 2. तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। 10वीं शताब्दी में बना श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 30,000 लोग आते हैं और त्योहार के समय तो ये आंकड़ा 5 लाख को पार कर देता है। यहाँ बहुत से लोग अपने बालों को भी दान कर देते हैं जिन्हें बाद में बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर इस मंदिर की सालाना कमाई 650 करोड़ के करीब है और कुल संपत्ति 37,000 करोड़ के ज्यादा है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ हर साल 3,000 किलो से ज्यादा तो सोना ही दान दिया जाता है। आखिर भगवान तिरुपति की महिमा ही इतनी है। 1. पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बना यह मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही मनोरम इसका इतिहास भी है। इस मंदिर की कहानियां पुराणों से जुड़ी हैं और यही बात इसकी प्राचीनता पर मोहर लगाती है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ सालों पहले जब इस मंदिर के 6 में से 5 तहखाने खोले गए तो इसमें से 1,00,000 करोड़ का खजाना मिला था जिसमें सोने के आभूषण, प्राचीन मूर्तियां, हीरे मोती और ना जाने क्या क्या निकला था। यहां मिली महाविष्णु की मूर्ति ही 500 करोड़ से ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। आप इनमें से कौन कौन से मंदिर में जा चुके हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। ये बात तो सच है कि जो इंडियंस है ना वो बहुत दान करते हैं। देखा नहीं आ गया, अमेजिंग। मतलब करोड़ों में बात हो रही है ना। ओहो, बहुत अमेजिंग वीडियो थी। और वो ये बीच में गोल्डन टेम्पल आया जिसके बारे में मैंने कहा था, मुझे थोड़ा बहुत पता है। वहाँ का किचन सबसे ज्यादा जो मैंने सुना है, जहाँ तक ना डेली बेसिस पे ना 1,00,000 लोगों को ना खाना डेली सर्व किया जाता है। तीन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। और काफी सारे लोग उधर मतलब ये सब कुछ खुद करते हैं उधर। कोई मतलब स्पेसिफिक उन्होंने अपना स्टाफ हायर नहीं किया हुआ, क्या कहते हैं, वॉलंटियर। हाँ, वो करते हैं खुद से जो है काम करते हैं वहाँ पे। और जो कुछ टेंपल्स, ज्यादातर टेंपल्स जो है ना 2-3 वो तो केरला में थे। और एक टेंपल केरला का था, उसमें मुझे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी। उन्होंने बस डिटेल नहीं बताई, ये बोला कि इधर हर कोई नहीं आ सकता। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, तो वो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये क्या सीन है। फ्रेंड्स, सो मतलब 10 से लेकर जब हम 1 पे आए ना, तो देखें है तो मंदिर है सारे, तो सभी अपने आप में खूबसूरत हैं। देखिए वो 10 से स्टार्ट होते होते नंबर 1 पे आया और नंबर 1 पे था पद्मनाभस्वामी टेंपल केरला में जो है। इसमें बताया गया कि जब उस इस टेंपल के 5 तहखाने खोले गए तो सिर्फ 1,00,000 करोड़ का खजाना वहां पे पाया गया उधर। तो ये तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट टेंपल है पूरी दुनिया की। और यार एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी कि जितना टेंपल्स को एनुअली जितने हमने टॉप 10 अभी देखे हैं और मेरे ख्याल में हंड्रेड्स ऑफ और मतलब थाउजेंड्स में होंगे तकरीबन, और टेंपल भी जहां पर दान किया जाता है इतना। मोस्टली टेंपल्स के नाम तो मैंने सुने हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैं जो ना फील कर रहा था कि
अगर एक दो टेंपल का ही सिर्फ एनुअली ले लिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात। वो जो फर्स्ट वाला मतलब उन्होंने दिखाया कि 1,00,000 करोड़ पांच तहखानों में से निकला भाई, इतना खजाना जो नॉर्वे में केरला में है भाई साहब, इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है, पता नहीं एक दरवाजा खोला और कितनी खजाना है। 1,00,000 करोड़ अगर पांच खोलते तो कितना होना था भाई। अभी बकाया है ना पाक के अंदर से, यानी कि 1,00,000 करोड़ निकला, तो ये सोच बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट बनती है। और खैर जो अमृतसर में वो गोल्डन टेम्पल दिखाया है ना, उसका एक अलग ही मतलब फीलिंग मुझे देखने में, दूर से चांदी और सोने की कवर से जो ढका हुआ है वो बहुत, रात को जो उसकी लाइटिंग थी यार बहुत ही ना दिलकश थी। खैर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी तो हमारा तो भाई सर घूम गया ये सारा देखकर, इतनी दौलत वो भी मंदिरों में भाई, हजारों करोड़ 50,000 लोग डेली आते हैं वहां पर मतलब दान करने के लिए, और खाना भी मुफ्त मिलता है 3-3 टाइम के लिए। और जिस तरह ये मंदिर हमें हमने देखे भाई, हमारा सर चक्कर रखा गया, ये किस तरह मुमकिन है, ये इतनी दौलत कहाँ जाती होगी, पंडित लेते हैं गवर्नमेंट लेती है, क्या करते होंगे यार हजारों करोड़ों में, ये इनके पास ये दौलत है। और भी बोल रहे थे टॉप 10 रिचेस्ट टेंपल, और हैरान है हम देख के इतनी ज्यादा कमाई है एक एक टेंपल की, और उनका तर्ज तामीर बहुत ही खूबसूरत था ज्यादा, और उसके ऊपर जो आर्किटेक्चरिंग हुई हुई थी तारीख। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में माता का वैष्णो देवी का जो मंदिर है, तो वहां पे उसके इतने हजार सालों से वो है, और वहां पे इतने ज्यादा लोग भक्त वहां पे जाते हैं, और वहां पे उसका रेवेन्यू इतना है कि अगर उसको जनरेट करके अगर जम्मू कश्मीर के ऊपर सारा होता है तो क्या बात है यार, कि इतने इतने ज्यादा लोग अपने देखें वो अपने मजहब के साथ जाते हैं और वहां पे खुले दिल से वो दान कर, दान ही कहते हैं हिंदी में, दान ही करते हैं, हमें याद है हम खैरात कहते हैं, वो दान तो उसके बारे में मशहूर कहते हैं अभी खुले नहीं, और कहते हैं वो खुला तो मतलब वो बहुत विनाश हो जाएगा, तो मतलब वो तब नहीं खोल रहे एक दरवाजा। ये तो टॉप 10 बताए गए ना, पूरे इंडिया में ऐसे मंदिर भी हैं, पूरे इंडिया में मैं कहता हूँ हजारों मंदिर होंगे ऐसे जिसमें आज भी कितना सोना पड़ा हुआ है ना, कितना सोना पड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया का अगर सोना मिला लिया जाए ना तो इंडिया में मंदिरों में सोना पड़ा हुआ होगा। बहुत अच्छा लगा हमें जान के कि जो इंडिया के मंदिर हैं वो कितने ज्यादा अमीर हैं। हम गए तो किसी में नहीं है, हमारी ख्वाहिश है कि हमें अगर मौका मिले तो हम जरूर जाएंगे, जरूर विजिट करेंगे और देखेंगे कि लाइक लोग वहाँ पे किस तरह जो है आते हैं, किस तरह उनकी जो फीलिंग्स हैं उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। और हमें मतलब वीज़ा वगैरह नहीं मिलता इसलिए हम जा नहीं सकते, तो वीडियो में ही देख के गैस कर सकते हैं कि क्या चीज़ किस तरह होगी और क्या चीज़ वहाँ की खूबसूरत है। सो आज वाली जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली थी। मेरी आज की वीडियो टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया, और मैं तो कहूँगा कि टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स इन द होल वर्ल्ड, जितने ये अमीर हैं और इसके अंदर जितना सोना, जिस तरह बताया मैंने पहले भी कहा था कि उनका गोल्ड ही सिर्फ कई कंट्रीज के गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है, 3,000 किलो सोना, ठीक है 2,500 करोड़ 37,000 करोड़ के उनके वो है टेम्पल्स का, डेली उसमें लोग दे रहे हैं क्योंकि यार किसी का अपना प्यार है, प्यार है उनकी माता देवी से। सॉरी केरला के जो मंदिर हैं वो मैंने देखे हैं, क्योंकि वो तमिल मूवीज़ में दिखाते रहते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह जो इनकी तमिल मूवीज़ वगैरह में आती हैं तो वो देखे हैं उनके मैंने मंदिर थोड़े थोड़े से जो क्लिप्स वगैरह में दिखाया है। तो केरला वाले जो तमिलनाडु वाले जो होते हैं, केरला की और तमिलनाडु की जो मूवीज़ होती हैं तमिल वाली, तो उसमें मैंने देखी है, तेलुगु में दिखाते हैं और एक तमिल होता है तेलुगु होता है, इस तरीके से। टेम्पल है ना इंडिया के अंदर वो देख रहे थे यार, मतलब कितने ज्यादा और इतने मतलब ज्यादा खूबसूरत थे, खूबसूरत वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग किस्म के थे। मैंने फर्स्ट टाइम यानी कि सगे मतलब टेंपल्स देखे हैं, यानी कि मूवीज के अंदर हमने टेंपल देखे हुए हैं लेकिन इस तरह से टॉप 10 रिचेस्ट टेंपल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, और इतना ज्यादा मैं जान रही हूँ मतलब यानी कि लोग वहाँ पे जो भगत है यानी कि भगवान के जो भगत है वो इतनी ज्यादा भेंट चढ़ाते हैं वहाँ पे आके, जिनकी यानी कि अपनी तमन्नाएं या अपनी दुआओं को ऐसे ऐसे पूरा करने के लिए भेंट चढ़ाते हैं खुशी से, तो मैं मतलब सोना ज्यादा दान किया जाता है। और ये एंड में जो दिखाया गया है ना ये केरला वाला, तो इसमें ये था कि मैंने डॉक्यूमेंट्री इसमें पढ़ी थी कि इसके जो बाकी जो है वो तहखाने खोले नहीं, एक में ही खोल के इतना सोना पड़ा था कि मतलब
मतलब ये हैरान कर, बहुत ही जबरदस्त। और ये जो गुरु नानक साहब का जो था तो वो तो पाकिस्तान में गुरुद्वारा जो गुरुद्वारा, तो वो उससे जो है वो रिलेट कर पा रहे थे। कौन से ओके यार क्या कमाल की वीडियो थी यार, वीडियो थी, मुझे था कि वीडियो खत्म ही ना हो वाकई, क्योंकि बहुत से ज्यादा इसमें टेंपल होंगे जो मिस होंगे अभी भी हमें नहीं पता, लेकिन ये कि उन्होंने चुन के जो है टॉप 10 निकाले जो रिचेस्ट हैं। और वाकई मारिये तुम देखो कि मतलब इतने खूबसूरत खूबसूरत बने हुए और वहाँ पे लाखों का मजमा है, वहाँ पे लाखों का मजमा है। सबसे ज्यादा रिचेस्ट टेम्पल्स इंडिया में कौन से हैं? अब यार मैं तो देखिए हैरान रह गई, मेरे पास ठीक है कोई बात नहीं है, लाइक अल्फाज नहीं है। इतने रिचेस यार हजारों लाखों क्या करोड़ों रुपए की इनकम है हर साल की, खजाना वगैरह होता है या सोना वगैरह होता है या जो चीजें लोग देते हैं इन टेंपल्स को, वो सरकार के हैंड ओवर होता है या ये भी एक मेरा ना बहुत बड़ा सवाल है कि इसको कौन इसको कंट्रोल करता है? तो ये मेरा एक सवाल है अपनी ऑडियंस से, क्या वो हुकूमत के अंडर ये टेंपल जो रिचेस्ट टेंपल है जैसे मुंबई का है या नंबर वन पर ये जो टेंपल है केरला का, इसको कौन इसको चला? साहब हमारी अकल दमाग ऐसे एकदम से फटने वाला हो गया था। शुरू शुरू में जैसे वो अपना बात कर रहे थे ना, इतने 100 किलो सोना चढ़ाया जाता है, दान किया जाता है, ठीक है, इतने 100 करोड़ उनको वो प्रसाद के तौर पर, प्रसाद ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, प्रसाद के तौर पर उनको वो पैसे इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो एंड पे बात की है ना उसने, तो भाई ऐसे दिमाग पहले ऐसे हो रहा था लेकिन आखिर में जो बात बोली है वो तो ऐसे दिमाग फटने वाला हो गया। तो ये थी गाइस वीडियो, और आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई हमारे यहाँ के जो टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल थे उनकी ये लिस्ट थी, और इस पे इतने सारे लोगों ने रिएक्शन दिया था, और मैंने भाई इंडियंस रिएक्शन इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं, मोस्टली सारे मतलब पाकिस्तान के रिएक्शन यूज़ करे हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं और मंदिरों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा पता तो है नहीं इनके बारे में। तो लेकिन ये है कि भाई रिव्यू भी आपको एंड में इन लोगों के सारे दिखाए हैं, तो आप लोगों को भाई अगर अच्छा लगा होगा तो इस पर कमेंट ज़रूर करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। बाकी हमारे यहाँ भाई जो मंदिर हैं, मंदिरों की तो ये तो टॉप 10 के हैं, बाकी इतने सारे बहुत सारे मंदिर हैं और बड़े बड़े मंदिर हैं जिनको एक लिस्ट में इंक्लूड ही करना पॉसिबल नहीं है, और उनमें ये छोटे छोटे मंदिरों में इतना चढ़ावा आता है, मतलब जो दान देते हैं लोग यहाँ पे, जो रीजनल मंदिर हैं जैसे कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर बाहर के बहुत दूर से लोग नहीं आते, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत सारा जो है जैसे गोल्ड है, पैसा है और सिल्वर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दान की जाती हैं और ट्रस्ट काम करते हैं इनके पीछे। तो इन लोगों का एक क्वेश्चन है कि भाई इनको ऑन कौन करता है, तो भाई जहाँ तक मेरी नॉलेज है इनको मतलब ऑन कुछ गवर्नमेंट के अंडर भी ऑन होते हैं और कुछ जो है ट्रस्ट के अंदर ऑन होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का डायरेक्ट दखलंदाजी बहुत कम होती है। लेकिन ये है कि भाई निगरानी में तो गवर्नमेंट के ही रहते हैं, और इसमें गवर्नमेंट क्या लेती है इतने डिटेल में मुझे भी नहीं पता इसके बारे में कि गवर्नमेंट भी यहाँ का जो दान आता है वो गवर्नमेंट ले जाते हैं, क्योंकि जो भाई हम बड़े मंदिर में तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो रीजनल मंदिर है यहाँ पे हमारे यहाँ, क्योंकि गोल्डन टेम्पल तो मैं गया हूँ भाई, गोल्डन टेम्पल में तो देखा है, अब वहाँ पे जो दान आते हैं सब कुछ आता है, तो वो वहाँ पे आप लोग जैसे पता है कि वहाँ पे 24 घंटे जो है लंगर चलता है, तो वहाँ पे जो है वो पैसा कहाँ से आता है? तो जो बंदे दान देते हैं भाई वहाँ पे, या कई बंदे आके डायरेक्ट ही लंगर का जो प्रसाद वहाँ पे करवाते हैं तो उसको प्रसादा बोलते हैं गुरुद्वारे में, तो वो जो है वहाँ पे 24 घंटे चलता है। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं दो बार गया हूँ गोल्डन टेम्पल, और यहाँ पे हमारे इधर रीजनल और भी जो टेम्पल हैं इनमें गया हूँ, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट भाई लंगर वगैरह चलाती है, जो वहाँ पे खर्चा करती है मंदिर को मेंटेन करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, तो वो भी उसी में से किया जाता है। बाकी जो बाहर से और दान लोग देते हैं, कई बार बंदे अपने वैसे ही करते हैं कि भाई मैं ये करवाऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दान देने की। ये तो सिर्फ गोल्ड और पैसे की बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें मंदिर में दान देते हैं लोग किसी के नाम पे, जैसे फैन वगैरह लगवाते हैं, एसी वगैरह लगवाते हैं, कोई कॉरिडोर बनवा देते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आई होप सो भाई वीडियो अपने लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।